International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. कानून तो वापस लेना पड़ेगा इनके बाप को भी. सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट में क्यों डंडे मारे जा रहा है? हम इसको ना मोदी को मानते हैं, ना अमित शाह को मानते हैं, ना इस एक्ट को मानते हैं. ये हमने तो 13 दिसंबर को भी ख्वाजा साहब के दरबार से ये पैगाम दिया था कि ये जो नागरिकता संशोधन जो पारित किया गया वो हमारे आर्टिकल 14 को मुतासिर करता है. लिहाजा हमारा उस दिन भी ये कहना था भारत सरकार से. हमने आज यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है एडीएम साहब को, उनके ज़रिए से महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन दिया गया है कि आप इस कानून के ऊपर फिर से नज़रसानी करें और हमारे मुल्क में किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है जब देश में अमन व अमान और शांति का वातावरण कायम हो. लिहाजा आप ऐसे एक्ट पास करके ये तमाम देश के अंदर जो लोगों के अंदर बिना किसी भेदभाव के लोग सड़कों पर उतर करके आए, लिहाजा भारत सरकार को सोचना चाहिए और इस बिल के अंदर जो भी ऐसी बातें हैं उन खामियों को दूर करके और नए तरीके से बिल को पास करना चाहिए. शाम को कुछ कहते हैं कानून तो वापस लेना पड़ेगा इनके बाप को भी. और दूसरी बात सुने, जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को हम तहसीन पेश करते हैं और इन पे जो बर्बरता यूपी पुलिस ने दिखाई है ना यूपी के अंदर, हम इसकी मजम्मत करते हैं. सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट में क्यों डंडे मारे जा रहा है? हम इसको ना मोदी को मानते हैं, ना अमित शाह को मानते हैं, ना इस एक्ट को मानते हैं. तमाम मुसलमान ने अजमेर व तमाम मजाहिब के लोग, दलित वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम यहाँ पर जमा हैं और एडीएम साहब को हमने मेमोरेंडम दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम, जिसमें इस कानून को वापस लिए जाने का अनुरोध किया है. लिहाजा हम शांतिपूर्वक तरीके से ये जब तक कानून वापस नहीं होता है एहतजाज करते रहेंगे. और मेरी तमाम मुसलमानों ने हिंद से अपील है कि जब तक ये कानून को वापस ना लिया जाए एहतजाज जारी रखें, शांतिपूर्वक एहतजाज जारी रखें. और महामहिम राष्ट्रपति से ये अनुरोध है कि इस कानून के बारे में उचित कार्यवाही करें और उसको वापस लिया जाए. और दूसरे हम अमित शाह तैयार हो गए आप लोग? हाँ बोलिए. एनआरसी और एनपीआर के विरोध में जिन लोगों ने पहले तो हम उस समझ अपने समाज के लोगों का बहिष्कार करना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम और खासकर छात्र संघ ने और छात्र युवाओं ने जिस तरीके से कंडेम किया है पुरजोर तरीके से इस भारत की भाजपा सरकार को और तानाशाह मोदी और अमित शाह को, उसकी हम निंदा करते हैं और उन छात्रों को हिंदुस्तान के तमाम हिंदू सेकुलरिज्म को सलाम करते हैं कि उन्होंने इसको कंडेम किया है और सड़कों पर आकर जब संसद में नहीं माने तो सड़कों पर आके इन्होंने इसकी मुखालिफत करी है बिल की. और इसकी मुखालिफत के तहत हिंदुस्तान में सबसे पहला हमारा दायित्व बनता था कि जिस समाज के लोगों ने जिस समाज पे प्रहार हो रहा उस समाज के लोगों ने इसकी हिमायत करिए. दरगाह दीवान हो चाहे दरगाह कमेटी का अध्यक्ष हो तो समाज ने निर्णय लिया कि उनका पहले सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए, विरोध भी किया जाए अपने स्तर पर. उसी क्रम के संख्या में जो हमने जो है आज दीवान का और दरगाह कमेटी का पुतला दहन किया. हम लोग आपसे मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को वापिस ले, बल्कि एनपीआर को भी वापिस ले. धन्यवाद. जय हिंद भारत माता की. जय.